डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मेरा पहला भाषण है जिसे मैं अपनी मातृभाषा बंगाली में देना चाहता हूँ। मैं इस चर्चा में देश के किसानों की समस्याओं और उनके हल की दृष्टि से भाग लेना चाहता हूँ। पैराग्राफ चेंज। आज हमारे अधिकांश किसान के समक्ष जटिल समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं केवल किसानों की ही है? ऐसा नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं ने हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था के समक्ष समस्याएं पैदा कर दी है। इस बात का अनुभव दोनों पक्षों अर्थात कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को जो सत्ता में है करना चाहिए। कांग्रेस के विरुद्ध एक राजनीतिक निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप उनका देश में 42 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भी सचेत करता हूँ कि वह जनता को जिसने उन्हें वोट दिए हैं दिए गए वायदे पूरे करे। यदि वे आगामी दिनों में किसानों की जो आज देश की प्रमुख समस्या है समस्या को हल नहीं करेंगे तो किसान निकट भविष्य में अथवा वर्तमान शासन के कार्यकाल में उनके विरुद्ध वैसा ही राजनीतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए किसान की समस्याओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा इस माध्यम से ही औद्योगिक और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके लिए एक सुनिश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज। मेरे विचार से इस सभा में लगभग 400 माननीय सदस्य किसानों के वोट से चुने गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता किसान बाहुल्य क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं। जो किसान हमें चुनते हैं उनमें से 70% पूर्णतः गरीब हैं। छोटे किसान, बटाईदार, कृषि मजदूर बड़ी मुसीबत में है। देश में ये ऐसे लोग हैं जिन पर सबसे अधिक अत्याचार होता है, जिनका सबसे अधिक शोषण होता है और जो सामाजिक अन्याय के शिकार होते हैं। मुझे यह सोचते हुए शर्म महसूस होती है कि स्वतंत्रता के बहुत वर्षों के बाद भी इन दलितों के प्रति उदासीन हैं जिनके वोटों से हम लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उनको चुनावी वायदे के बारे में स्मरण कराना चाहता हूँ। उन्होंने वायदा किया था कि वे कृषि विकास को अत्यधिक महत्व देंगे। आपको भी कांग्रेस के समान किसानों की विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। समाप्त।